हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं गुरुचंद आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे पीजीटी प्रवक्ता में क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के और कुछ सोयल साइंस के भी है इसमें क्वेश्चन, तो उन्हीं के माध्यम से ये वीडियो मैंने बनाया है। और आप इस वीडियो को देखते हुए अपने पेन और नोटबुक उठा लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपके काम आए और इनको साथ साथ आप नोट करते चलिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन पादपों द्वारा के रूप में ली जाती है। जो पौधे होते हैं वे नाइट्रोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? इसका आंसर है आपका पहला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म खरपतवार नाशी है? इसका आंसर है आपका, मैं साथ साथ आपको आंसर बताता चलूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो में बहुत ही फास्ट बनाऊंगा और आप साथ साथ इनके क्वेश्चन और आंसर नोट करते चलिए। इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य गुणसूत्री अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक, जो अर्थशास्त्र के जनक होते हैं यानी कि इकोनॉमिक्स के जनक जो है वो है आपके एडम स्मिथ। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लवण रोधी फसल है? यह चकुंदर जो होती है लवण रोधी फसल होती है, इसका आंसर है सी। जिप्सम मृदाओं में निम्नलिखित में से किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है? जो मृदा होती है हमारी भूमि यानी कि मिट्टी, उसमें जिप्सम की प्राथमिक घटक जो है वो कौन सी है? तो छठा का ए, जिप्सम। टमाटर केचप बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है आपका सी, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है, जो केले का ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इस वीडियो के माध्यम से इसका पीडीएफ भी आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अपना इसका पीडीएफ भी उठा सके। किस चारा फसल के आश्मिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकता होती है? इसका आंसर है डी, जवार। जो जवार होता है उसमें अधिक मात्रा HCNC की होती है। सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है, जो सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है वो कौन सी है? इसका आंसर है आपका बी, LISM। खुरपा एवं मुंह खुरपा रोग का मुख्य लक्षण है, जो जो पशु होते हैं उनमें जो मुख रूपा जो लक्षण होते हैं वो कौन सी बीमारी है? तो इसका आंसर है आपका डी, मुख और पैर के छल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम किया जा सकता है? इसका आंसर है सी, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम। दोस्तों, ये वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आ रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरोबेज खरपतवार फसल से संबंधित है? इसका आंसर है सी, सरसों और तमाकू। PRA का जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है रोबर्ट चेम्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण का स्थान क्या है? इसका आंसर है राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक उद्दीपकों के मुख्य चार समूहों में से कौन से जैविक और अजैविक दावों से रक्षा उपलब्ध करता है? इसका आंसर है
बी अमीनो अम्ल व प्रोटीन हाइड्रोक्सीलेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर है सी यूरिया। जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए, जो जड़ प्रणाली फसल होती है उसका फसल चक्र चुनना है आपको। इसका आंसर है आपका बी गन्ना कुसुम अरंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः है? इसका आंसर आपका डी उत्प्रेक्षी। ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर है आपका पी 6.7 पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन होल्डिंग से अभिप्राय है, जो ऑपरेशन होल्डिंग है उससे क्या अभिप्राय है? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र। सामान्य रोटी जो गेहूं की होती है, यानी कि इसका वैज्ञानिक जो नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जिसमें 2N और 25 42 गुणसूत्र है, ये कौन सी है? इसका आंसर है आपका पंडे गुणित, यानी कि ए आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजित धान में खरपतवार प्रबंध के लिए एक हलिया रोकथाम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा माना गया है? इसका आंसर है आपका सी बीज पर भक्षण। मामा खरपतवार परिवार से संबंधित है। इसका आंसर है आपका बी ग्रामीण, जो ग्रामीण कुल के प्लांट होते हैं वो मामा खरपतवार में आते हैं। जब एक F1 संकरण अपने माता पिता से एक के साथ संक्रिय कराया जाता है तो वह क्या कहलाता है? मतलब जब एक फसल को दूसरी फसल से क्रॉसिंग कराया जाता है तो वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है आपका बी बैक क्रॉस। ओजोन परत के अक्ष के कारण, इसका आंसर है आपका बी प्रामैग्नी विकर्ण धरती पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणु रोधक के साथ जानवरों में संक्रमणीय की कुछ प्रकारों का संचारित करने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है आपका डी बेरोलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नलियों में पाए जाते हैं विशेषता में? इसका आंसर है आपका 28 का बी लाइसोसोम्स के कारण। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाम से जाना जाता है? 29वें का आपका है सी केंद्रीय बीज। उष्मा रोधी कवक संक्रमणीय जैसे फलों में प्रसंस्करण में विशेषता एक मुख्य समस्या बन जाता है? ये 30 का आंसर है आपका स्ट्रॉबेरी, जो फल होता है स्ट्रॉबेरी उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप संसाधन समिति होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सिद्धांत उत्पादन में लगाया जाता है? इसका आंसर है आपका समसीमा सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है आपका ए